Hare 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 Hare
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हरे आनंद की जय 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 श्री राधे। आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है, श्री शुभ अंत शुभ इनके घर में आज उन्होंने कितना दिन बाद में बड़े दिन में लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन इसलिए आज इनको घर में हम सबके सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा और सत्संग के लिए। इसलिए इसलिए महाभारत में एक कथा आती है, आप सब जानते हो, जब पंच पांडवों का वनवास हो गया, वनवास होने पर इतने में श्री द्रौपदी को बड़ी जोर से प्यास लगी, प्यास लगी तो बोले मेरे को पानी चाहिए, मेरे को बड़ी प्यास लग रहा है। इतने में युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले देखो तो पेड़ को बड़े चढ़ करके देखो क्योंकि जहाँ पानी होता है वो चिड़िया जरूर आकाश में घूमते रहते, इससे पता चल जाएगा कि जरूर पानी है। लेकिन सचमुच से कुछ दूर में कुछ चिड़िया आकाश में उड़ते हुए बोले भैया लगता है यहाँ पर पानी है क्योंकि चिड़िया उड़ रही है। तो सचमुच से गए तो वहां पर देखा तालाब, जब वो पानी पीने के लिए जा रहे थे ना इतने में एक बगुला वहां बैठा हुआ था, बोले सावधान बोले तुम कौन हो, बोले ये जो तालाब है ये मेरे अधीन में ये पानी है, मैं प्रश्न करता हूँ ये प्रश्न का उत्तर देख करके पानी पियो। बोले तेरे जैसे बगुला के प्रश्न का उत्तर देख रहे उनको पानी पीना पड़ेगा, मैं बताए मैं कौन हो, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी मैं भीम हूँ, बगुला का प्रश्न का उत्तर देकर पानी पीना पड़ेगा, खबरदार पानी नहीं पी सकते, मैं पी करके तुमको दिखाऊंगा मैं पानी कैसे नहीं पी सकता हूँ। बाहर जब उन्होंने पानी उठाए और उन्हें एक घूट लेते ही वहीं पर कथा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, अर्जुन भी गया वहां पर फिर बोले सावधान देखा ये बगुला है, बोले क्या बात है, बोले ये जो तालाब मेरा है मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके पानी पी सकते हो, नहीं तो बड़े भैया जैसे अवस्था होगा। बोले तेरे को पता मैं कौन हूँ, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ गांधी बिहारी मैं अर्जुन हूँ। लेकिन उन्होंने भी जोर जबरदस्ती पानी पीने गए तो भी वहीं पर ऐसे सबके सब बेहोश हो गए। चार गए युधिष्ठिर महाराज जो गए बोले हम सबके सब भाई सब बेहोश पड़े हुए, तो वो भी पीने के लिए गए फिर बड़े सावधान बोले देखा बबूला है, बोले क्या बात है, बोले ये तालाब मेरा है इसने मेरे अधीन में ही है, मैं कुछ प्रश्न कहता हूँ अगर ये प्रश्न का उत्तर दे पाओगे तो फिर ये पानी पी करके जा सकते हो। लेकिन उनका नाम क्या था, युधिष्ठिर, क्या नाम था, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या है, धर्मराज। अरे युधिष्ठिर मतलब क्या होता है, मतलब युद्ध अवस्था में भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है, जब अब घर में लड़ाई होता है देखो घर में लड़ाई करते हो कि नहीं करते, लेना जब घर में लड़ाई हो ना बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, मुंह में जो आता है ना हम बोलते थे पर बाद में सोचते हैं भैया हमने क्यों ऐसे मेरे मुंह से ऐसे गलती बात क्यों निकल गया है, पर जब बाथरूम में पानी एक बार निकल जाए ना फिर वापस नहीं आता, तो फिर वापस नहीं आती, द्रौपदी बोल दिया तो अंधे का बेटा अंधा होता है लेकिन वापस आया नहीं आया, और महाभारत का पूरा कारण महाभारत का कारण बन गया। इसलिए कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है, इसलिए कहते भैया वाणी को ठीक करके रखो, विशेषकर माताओं को कहती है अक्सर के घर में लड़ाई किस पर माताओं का तरह होती है, फिर ये भाइयों के पास में जाता है, इसलिए घर में अपना वाणी को सावधान रखनी चाहिए, बोलते समय जो आए सो नहीं बोलते ठीक है ना। इसलिए लेकिन उनका नाम है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या, युद्ध अवस्था में भी जिनका बुद्धि स्थिर रहता है विचलित नहीं होता है। लेकिन जब फिर उन्होंने प्रश्न किया पानी पी करके अब उत्तर देख रहे पानी पी सकते हो, बताओ क्या प्रश्न है, वहां पर उन्होंने बहुत बहुत कुछ प्रश्न किया लेकिन उसमें चार ही प्रश्न विशेष प्रश्न है। इसलिए पहला प्रश्न है जगत में कौन सुखी है, जगत में कौन सुखी है, देखो जिंदगी भर हम केवल एक ही चेष्टा लगा करते सुखी कैसे, यही है ना, जो कुछ करते हैं जीवन में शांति सुख जिंदगी भर शांति सुख के लिए ही जिंदगी भर हमारे जीवन चले जाते हैं, लेकिन इनका प्रश्न कौन है, कहते जगत में सुखी कौन है, कौन कर रहा है, धर्मराज।
धर्मराज को मरने का बात है ना, जब हमारा शरीर छूटता है, जब हम ऊपर जाते हैं ना, वो तराज में नाप करके अपना कर्म का फल को सही सही देते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्मराज। मतलब हम जैसे जैसे कर्म करते हैं थोड़ी सी भी दर्द नहीं होता है, अब जैसे कर्म किया ना वैसे ही पति मिलता है, वैसे ही पत्नी मिलती है, वैसे ही बेटा है, वैसे ही बहू है, वैसे ही नाती होती, घर परिवार ठीक, वैसे थोड़े से भी दर्द नहीं होता। हमने जैसे थे ना, एक व्यक्ति का चार इधर बैठे होंगे ना, सोफा सब अलग अलग, एक उसे एक बेटा तो इतने कमाएगा जो खाने के लिए कोई, एक बेटा ऐसे कमाना ही नहीं चाहता, अपना रोटी नहीं संग्रह कर पाता, क्यों ऐसे धारणा क्यों है? हमने तो जन्म दिया लेकिन कर्म हमने नहीं दिया, कर्म तो अपना ही लेकर को आया, इसलिए वो धर्मराज नाप तोल करके हमारा जितने जैसे कर्म का फल नाप तोल करके वो देते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्मराज है। इसलिए धर्मराज, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं जीवन में सुखी कौन है, और जिंदगी में हम सुख के चक्कर में लगे, जिंदगी भर सुख के चक्कर में लगेगी, अगर जीवन में एक समस्या आए ना, सोचते हैं किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए भैया चैन मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तो गई नहीं, दूसरी समस्या गई, बस ऐसे करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए इनका प्रश्न किया जीवन में सुखी कौन है, कहते स्वगत में सुखी वही है, बोले अरिणी अप्रवास, अरिणी अप्रवास, अरिणी मतलब है जो कभी किसका ऋणी नहीं, ऋणी जो कभी कभी किसका ऋणी नहीं, कहते जो ऋणी है, एक तो संसार में जैसे हम पैसा ऋण लेते हैं, किससे पैसा लेते हैं, इसलिए कहते कि एक तरह का ये ऋणी है। अंदर में आ जाओ प्रभु, आ जाओ अंदर में आ जाओ। इसलिए पहला प्रश्न है ऋणी है जो कभी किसकी ऋणी नहीं हो, क्योंकि जब किसको ऋणी लेते हैं ना, फिर दिमाग में लगा हुआ रहता है उसका ऋणी कैसे चुका है, आ गया था इसकी, हम इसकी ऋणी कैसे चुका है, ऋणी कैसे चुका है, आ जा बैठ, आ जा प्रभु तेल बस पर कथा बैठ 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 ठीक से बैठ वो ऊपर बैठ। इसलिए अगर हम किसकी ऋणी लेते हैं ना, फिर हमारी टेंशन रहता है भैया उसका ऋणी कैसे चुका है, उसका ऋणी कैसे चुका है, ये एक ऋणी है, लेकिन वास्तव रूप में ये ऋणी इतना महत्व नहीं है। अगर जगत में आओ तो हमें छह तरह का ऋणी हम लेते हैं, ये छह तरह का ऋणी से हमें निकलना पड़ेगा। बोले वो छह तरह का ऋणी क्या क्या चीज है, ये भागवत ने बताया, कहते पहला ऋणी है देवता का ऋणी है, जैसे अभी बारिश ही किसने दे रहे हैं देवता को, ये हवा भी पवन दे रहे, ये भी हम ऋणी है, इसलिए कहते ये देवताओं का ऋणी से हमें मुक्त होने जाए। दूसरा ऋणी है ऋषियों का, कि जो ज्ञान जगत में हमें मिला किसका, व्यास देव तक जितना गीता रामायण भागवत तो व्यास देव ने लिखे, इसलिए हम सबके सब किसके ऋणी हैं, कहते हम सबके सब किसके ऋणी हैं, कहते ऋषियों का ऋणी, जितने ज्ञान जितना आयुर्वेदिक मेडिसिन ये सब किसी का दे रहे थे, ये ऋषि मुनियों का देन है, इसलिए ये दूसरा ऋणी है। याद रखना मैं बाद में पूछूंगा क्या दिया। तीसरा जो ऋणी है, कहते पिता और माता की ऋणी है, कहते मैया का तो हम इतने ऋणी है, इतने ऋणी कभी हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि मैया हमें 10 महीना तो गर्भ में धारण करती है, फिर प्रसव पीड़ा सहन करती है, फिर मुंह से खाना खिलाकर निकाल कर खिलाती है, हम लोग तो बच्चे पालते होंगे तब तक रात भर बच्चा रोता है, सुने नहीं देता, पैटी पेशाब कर देता है, पैटी पेशाब कर देता है रात भर, मैया कितने ऐसे रात तो बिना सोए पिए बच्चों को लालन पालन करती है, एक ऋणी है राजा ऋणी, अगर जगत में राजा नहीं रह जाए तो जगत में अराजकता फैल जाएगा, इनका भी ऋणी है, इसलिए कहते देवर सिंह, और एक ऋणी है अपना परिवार का ऋणी, इस जगत में आए भाई बंधु पुत्र परिवार सबसे हम ऋणी लेते हैं, इसलिए सबके सब ऋणी हम लोग लिए। लेकिन शास्त्र ने बताया अगर एक व्यक्ति केवल अपना पिता माता की ऋणी चुकाने के लिए कोशिश कर ना, पूरा जिंदगी तुम्हारी चली जाएगी, तो पिता माता का ऋणी कभी ऋणी नहीं कर सकते, इतने ऋणी हम पिता माता के, इतने ऋणी है, फिर और इतने सारे ऋणी तुम्हारे रह गए, फिर इतने ऋणी को मैं कैसे चुकाऊं,
इतने ऋणी को फिर कहाँ से चुका होगा तुम? लेकिन भागवत में बताया अगर एक ऋणी चुका दिया ना तो तुम्हारे सब ऋणी से मुक्त हो जाओगे। बोले वो कौन है? बोले भगवान। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर की शरण में चले जाए, ठाकुर जी की भक्ति में करने लग जाए, प्रभु की शरण में चले जाए ना, कहते वो व्यक्ति सारे ऋणी से ही वो व्यक्ति ऋणी बन जाते, सारे ऋणी से वो ऋणी का मतलब सभी दिल से बात नहीं करते। इसलिए कहते सारे ऋणी से वो व्यक्ति ऋणी बन जाते। जब कोई भगवान की सेवा में लग जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए, बोले क्यों? बोले जो विश्व ब्रह्मांड है ऋणी किससे लिए? बोले ठाकुर से। ठाकुर इसलिए भागवत में भगवान स्वयं कहते बोले भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे बोले भैया ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है ना मेरे आदेश पर हो रहा है, स्वामी मत भैया तो बाकी बात हो जाए कि जो हवा बह रही है भगवान कहते हैं मेरे आदेश पर ये हवा बह रही है। जो अग्नि में जो ज्वलन जो शक्ति किसने दिया? मैंने दिया है। जो बारिश होता है इंद्र मेरे आदेश को प्राप्त कर रहा है, मेरे आदेश में ये इंद्र बारिश करता है। जो सूर्य उदय होता है चंद्रमा उदय होते हैं भगवान कहते हैं मेरे आदेश पर ही विश्व ब्रह्मांड मेरे आदेश पर सबने सब चल रहे हैं। जो कुछ जगत में हो रहा है जगत का सर्व कारण का कारण है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाए ना उसको सारे ऋणी से ऋणी हो जाते, सब ऋणी से ऋणी हो जाते। क्यों? विश्व ब्रह्मांड भगवान से ऋणी हो। जैसे हनुमत लाल दिन भर क्या करते हो? रघुपति राजा राम राम को सेवा कर रहे हैं ना, क्या करते हैं? क्या सब ऋणी से मुक्त है। क्यों? जब कोई बेचारा भगवान की भजन करने लग जाए फिर उसको 21 पीढ़ी आत्मा उधार दे, 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। देवता लोग स्वर्ग से नाचना शुरू कर देते हैं, पृथ्वी अपना तो धन्य मानती है हैं जब घर में कोई बेटा भगवान की भक्ति करने लग जाए। इसलिए यहाँ पर कहते वही व्यक्ति एकमात्र ऋणी से मुक्त है जो प्रभु की शरण लिया है, वही मुक्त है। नहीं तो जगत में कोई भी ऋणी से मुक्ति नहीं है। इसलिए पहला ऋणी जो शांति मिलेगा कैसे? पहला प्रश्न किया जगत में सुखी कौन है, ये प्रश्न है। सुखी कौन है जगत में प्रश्न ही है। इसलिए कहते नचेंद्र सब सुखम नास्ति। इंद्र को तो सुखी हो, अब तो बहुत भ्रमता सुने होंगे जगत में थोड़ी सी कोई भक्ति करना शुरू कर देना पहले इंद्र का आसन मिलना पहले शुरू कर देना है, पता नहीं बाधा देना तो इंद्र पद को नहीं ले भविष्य में डरे नहीं। कहते भैया स्वर्ग में इंद्र भी सुखी नहीं। बोले न सुख हम चक्रवर्ती न, अगर कोई सोचे पूरा चक्रवर्ती का मैं राजा बन जाऊँ तो सुखी हो जाऊंगे ना, अभी मोदी को पूछो कितना सुखी बोले सोच रहे हैं अगली बार आओगा कि नहीं पता नहीं, जोगी को पूछ लो कितना सुखी बोले पता नहीं अगली बार क्या होगा नहीं होगा है कितना टेंशन है। इसलिए कहते भैया जगत में हम जिसको सुखी बोलते ना जगत में सुखी सुखी अंबानी कंपनी वाला बोल पूछ लो सुखी हो, हम तो चैन से खाकर सो जाते उसको नींद नहीं आती होगी, वो पैसा वहां नष्ट हो गया उसने मार दिया वहां पर रह दिया पता नहीं उसको कहां पैसा दिया। कोई जगत में कोई सुखी नहीं है। हाँ सुखी एक व्यक्ति ये कौन कहे गोकर्ण अपना पिताजी को कह रहे पिताजी जगत में एक सुखी मात्र जो प्रभु की शरण दिया है ना, सुखम अस्ति सुख है बोले पुण्य है एकांत जो प्रभु की चरण में शरण दिए हैं प्रभु की ही मनन करते हैं इनका कोई जुटत सुख। जैसे यहाँ पर बैठे हुए देख लेना एक घंटा जैसे बैठोगे ना जगत का कोई भी दुख कष्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। जितने समय केवल प्रभु की कथा सुन लोगे ना संसार में सुख दुखी है, कोई सुखी नहीं, तन से कोई दुखी, मन से कोई, धन से परिवार से दुखी, लेकिन देख लेना कथा में जितने समय तुम बैठोगे ना उतना समय चैन मिलेगा, उतना समय तुम्हारी शांति सुख है। क्यों? प्रभु की कथा में अगर इतना आनंद है तो प्रभु की शरण में कितना आनंद नहीं होगा, प्रभु की शरण में कितना आनंद नहीं होगा। इसलिए कभी जगत में कभी ऋणी जो कभी किसकी ऋणी नहीं हो, ऋणी मुक्त तो कौन बोले एक व्यक्ति ही ऋणी मुक्त है जो प्रभु की भजन करते हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया जब कोई प्रभु की भक्ति करने लग जाए ना भगवान ने 33 करोड़ कितने 33 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मणों को प्रभु ने नियुक्त कर दे रहे थे। बोले देखो जो व्यक्ति मेरे भजन में आ जाएगा उसे जो पीछे जो काम रह जाएगा ये काम तुमको कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे शरण में आया है, वो मेरे शरण में आ गया उसको पीछे काम तुम लोग करना है। बोले अरिणी बोले अप्रवास, अप्रवास मतलब है जो कभी घर पर छोड़ कर और कहीं नहीं रहते,
घर में छोड़कर और कहीं कहीं नहीं रहते, अपना घर में रहते। आप बोलोगे हम तो अपना घर में रह रहे, बाहर कहाँ रह रहे। बोलोगे हम तो अपना घर में रह रहे। आप इसी जगह में देख लेना, कहीं तुम घूमने के लिए गए हो, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहे, बढ़िया से बढ़िया होटल में रह रहे हो, बढ़िया से कुछ दिन घूमने के लिए गए। लेकिन आप देखना आपकी छोटी सी कुटिया है, जब अपना छोटी सी कुटिया में आ जाते हो ना, बोले भैया अपना घर में आ गए। कहाँ आ गए? अपने घर। लेकिन अपना घर में जो चैन मिलेगा ना, वो बाहर से बढ़िया से बढ़िया होटल में उसको आनंद नहीं मिलेगा। छोटी सी घर में तुम्हें जितने चैन मिलेगी, जब साधारण यहाँ घर में इतने चैन है, जब वास्तव जो हमारे घर में जो पहुंच जाएंगे, असली चैन तो वही तुमको मिलेगी। यहाँ चैन नहीं मिलेगी, यहाँ सब बेचैन सी है, यहाँ सब के सब बेचैन सी है। इसलिए हमारे भी प्रभु कथा सुनाते हैं, एक समय कोई बूढ़ी माता जी थी, एकदम अनपढ़ है। अभी उसको अपना कहीं गई थी घूमने के लिए, गई थी अपना घर में आना, उन्होंने बस में टिकट बनाया। जब टिकट बनाया, वो टिकट का नंबर था 15 नंबर। अभी बूढ़ी माता टिकट बना करके बस को अंदर में जब गया, पूरा पूरा बस खाली। लेकिन माता जी एक अनपढ़, उसको पता नहीं 15 नंबर सीट कहाँ है, उसने तो 50 नंबर सीट में बैठी। जब बैठ गई, अभी 50 नंबर सीट वाले बोले ना भाई खड़े हो जाओ, इसी में बैठी है। भैया ने देखा मैंने टिकट बने, हमें बैठने नहीं दे, क्या से करे। वो तो अनपढ़, पता नहीं ना टिकट 15 नंबर 50 नंबर बैठी है। वो उठ करके फिर 40 नंबर में बैठी थी। थोड़ी देर बाद 40 नंबर वाले बोले माता जी खड़े हो जाओ, सीट भरी है। फिर उसने 30 नंबर में बैठी थी। थोड़ी देर बाद 30 नंबर में खड़े हो जाओ। हमें सब कोई बैठने नहीं देते, क्या चक्कर है, हमने टिकट बनाया कोई बैठने नहीं देते। तो मैंने कहते कहाँ पर बैठे, कोई उठाए। देखा ड्राइवर का सीट सबसे बढ़िया अलग होता है, अगर यहीं बैठ जाओ ना छत पर कोई उठाएगा नहीं। और भैया सीधा ड्राइवर का सीट में बढ़िया सीट, अकेला सीट, कोई बोलने वाला नहीं बैठ गया। ड्राइवर गया तो चाह पानी पीने के, जब देखा पूरा बस भर गया, आए बोले माता जी खड़े हो जाओ, ये सीट भरी है। बोले बाबा परेशान पर पूरा बस हो गया, कोई बैठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बाबा हमको बढ़िया चैन अकेला सीट है। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, इसलिए गाड़ी चलाने वाला मैं हूँ, ये मेरी सीट है। बोले बाबा बूढ़े बूढ़े आदमी को परेशान मत करो, पूरा बस हमने घूम गया, कोई हमें बैठने नहीं दिया है। बोले टिकट बने? बोले हाँ ऐसे थोड़ी बैठे टिकट। बोले देखा कितना नंबर था? 15। देखा सब सीट में लोग बैठे, लेकिन कोई सीट खाली है। बोले आप तुमको बैठा देता हूँ, वहीं पर बैठना, लेकर तो बैठा दे। बोले बाबा कोई उतारेगा नहीं? तो बोले कोई नहीं उतारेगा, सिर्फ आपका डर में घूम गया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बूढ़ी मैया कोई नहीं, हमी है, हमी है। हम क्या करते हैं, जैसे घर का मालिक आप हो, कितना उम्र हो गया उसको, कितना उम्र, कितना बोलो, 55। देखो उन्होंने 55 में जो पढ़ाई की होगी, 20-25 साल तक, उसके बाद में जिंदगी भर परिश्रम करते 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 उन्होंने ये मकान बनाया। कितना कष्ट करें, क्या ये मकान में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तब तक है संसार में जब तक ये शरीर से परमात्मा नहीं निकलेगा। वो निकल जाए ना एक घंटा भी, सारा दुनिया को बुलाए तो निकालो घर से, निकालो घर। 13 दिन तक अशुद्ध रहेंगे घर में, गंगा पानी गोबर को गोमूत्र छिड़काव कराएंगे, 13 दिन तक अशुद्ध रहेंगे। फिर दूसरे जीवन में फिर 20-25 साल तक फिर दिखाई बनाई देंगे, पढ़ाई करके फिर नौकरी चाकरी करके कितने कष्ट से पैसा कमाते हो, बताओ एक दिन जोड़ दो क्या घर में रह सकते हो? कहते हम अनाधिकार से बना रहे छोड़ रहे, बना रहे छोड़ रहे, अनाधिकार से कितने एनर्जी लगाते लेकिन रह नहीं पाते। बोले क्यों नहीं रह पाते? क्यों असली जो अपना घर में हम नहीं बैठते, अपना सीट में नहीं बैठे हुए और दूसरे किसी सीट में बैठ गए, हमें सब भगा रहे, हमें सब किसे भगा रहे, उठो निकलो यहाँ से, बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते इस घर में, बनाने पर भी तुम्हारे साथ इस पास में सब कुछ रह नहीं सकते, क्यों असली सीट में हम नहीं बैठे, नकली सीट में बैठ रहे हैं। अभी प्रश्न है जब हमें सही सीट पर बैठा दिया, मतलब ड्राइवर गुरुदेव कहते बेटा तुम दूसरे सीट पर क्यों बैठे हो, ये तो तुम्हारी सीट नहीं, ये तुम्हारी सीट नहीं, ये तुम्हारे घर नहीं है, वो लेकर के असली सीट पर नहीं नहीं पर बैठो, बस अपना घर में अपना घर में पहुंच जाओ। घर कहाँ पर है? बोले नहीं घर हमने बनाया, बोले ठीक है तुम्हारी नहीं, हम तो रिव्यू जो होकर कुछ देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें कृष्ण गीता में, गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन
बच्चे हैं ना,
पिता का कौन सा बच्चे में आए है इसलिए सचित आनंद जो रूप है मतलब जो रूप है साफ चित और आनंद है आनंद वे मंत्री बच्चे बने का मंत्री वही कौन हमारे मंदिर के लिए कौन लेकिन तभी ये चीज हमें मिल सकता है जब भगवान की शरण में जाएंगे ठाकुर जी के नाम जब जब करेंगे इसलिए जिन्होंने ऐसे ही पैसे करके जगत में पात्र किया है मतलब तीसरा प्रश्न है जगत में मार्ग क्या है हमें कौन सा रास्ता रोड हमें चलनी चाहिए हम कहते हैं ना हम चले तो किधर चले चले तो किधर चले हम तो कहते हैं वेद का बिगड़ना स्पिरिट का बिगड़ना वेद अलग अलग है स्पिरिट की अलग अलग है नासो मुनिर जैसा मतलब न बिगड़ना ऐसे कोई मुनि ऋषि नहीं जिसका मत अलग नहीं हो लेकिन जो धर्म का जो मार्ग है ना अत्यंत अत्यंत गोपनीय मार्ग है बोले महाजन जैन मुदस्त एक ही मार्ग है हमारे जितने इतने जो संत लोग जिस मार्ग में गए व्यास देव जिस मार्ग में गए वाल्मीकि जिस मार्ग में गए वशिष्ठ जिस मार्ग में गए पराशर जिस मार्ग में गए ध्रुव प्रह्लाद जो मार्ग में गए हनुमान तुलसीदास जो मार्ग में गए बस उन्हीं की मार्ग है एक मार्ग है जो पूर्व पूर्व संतों ने जो भगवान की भक्ति करते हुए जिन लोगों ने प्रभु को प्राप्त किया है बस उन्हीं की राह इधर उधर मत देखा है जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है ना तो पहले बच्चा जो सीए किया होगा वो कहीं से नौकरी करे उसको देखना पड़ता है हम भी अगर इसे सीए करेंगे तो क्या नौकरी मिलेगी जो इंजीनियर ट्रैक्टर करता है वो देखता है पहला जो ट्रैक्टर किया इंजीनियर क्या होगा वो बहुत बढ़िया पैसा कमा लेंगे पढ़ाई करेंगे तो हमें भी पैसा बढ़िया मिलेगा उसी तरह पहले प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु को प्राप्त किया है उन्होंने संतों को हमें आदर स्वरूप में ग्रहण करते हुए उनकी राह पर अगर चलेगी हमें कहीं ना एक दिन से परम शांति परम सुख और परम प्रेम को प्राप्त करते हुए प्रभु को प्राप्त करके हम ये जीवन कर सकते हैं वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर बहुत सारे प्रश्न किया है तब उन्होंने श्री धर्मराज ने बड़े खुश हो इतने खुश हो गए उनके पर में तो देखो ये काम कर क्या है तो देखो इन चार बड़े बड़े लोग ना चार कौन कौन है भीम नकुल सहदेव अर्जुन चार बड़े लोग तो देखो हमारे भाइयों को आप वापस दे सकते हैं क्योंकि हमारे एक भाई को मैं वापस चारों में एक को वापस दे सकते बताओ ये चारों में किसका जीवन तुम चाहते हो तो उन्होंने बोले मेरे को सहदेव चाहिए सहदेव चाहिए कौन कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कौन थे कितने बेटे तीन अपना भाई को क्यों नहीं माना तो माधुरी के भाई को तुमने क्यों मांगे हो क्यों तुम तो देखो हम तो माता के हम बच्चे हैं अभी तो कुंती के मैं बड़ा बेटा हूँ बच्चा हुआ लेकिन माधुरी के दो भाई ने हैं माधुरी के दो बेटे हैं इसलिए एक माँ का तो मैं हूँ और एक माँ का भी एक भैया इसलिए हमें माधुरी की दूसरी माँ की सादर और इतना खुश हो गए जानते हो इतना बुद्धि विचार जय श्री राधे हरे कृष्ण मंदिर में सब भक्तों का आते हैं जो मंगला आरती दो व्यक्ति आते हैं दो सती दशी के मंगला आरती के लिए नहीं छोड़ते हर समय में हर मंगल आरती है और सदर इतना सदर कथा केवल हम जो करते थे कथा काम बाहर तो करते थे लेकिन ये आने का नजर सदर कथा इसलिए इसके लिए हम कथा कर लेते हैं क्योंकि श्रोता हमें चाहिए सदर कभी इतना आते नहीं क्योंकि आंधी तूफान और बरसात मेरे गुरुदेव कहते थे और गुरु नारायण ने बताया जब मंगला दर्शन करते हैं तब कभी जितने को अमंगल नहीं होती
से सबल आरती का नाम क्या है? मंगल आरती। मैं कहते जो भजन गा रहे हैं ना, जब सबसे पहले ठाकुर का जो पट खुलता है, पहले जो नजर सामने जो खड़े हुए होते हैं, पहले नजर ठाकुर का उसके प्रति होता है, मंगल हारी। जो पहला नजर उसको पर पड़ेगा उसका जीवन में जो फल वही देखता है, हमारे उसकी वही नहीं सकते जिंदगी में। इसलिए मंगल आरती आते हैं ना, जो पोते लिखना आती है ना, पोते 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 भगवान एक साथ है, जो बेटा छोली पूरा होने के लिए है, छोली पूरा के साथ में कहते दोनों आपको लड़ने होते हैं ना, जब भगवान जैसे चक्कर पार कर देते हैं। इसलिए ये किसके लिए काम है? मंगल आरती का साथ है, मंगल आरती दर्शन करके गुरु जी कहते हैं, गुरु जी स्वयं कहते जो मंगल आरती दर्शन करते हैं हम अंदर जीते हो ही नहीं सकते, इसलिए शरीर की वजह से सामने बैठते हैं, इसलिए हम इसको करना सुना देते हैं, इसलिए हम लोग भी कोशिश करना मंगल आरती का। ठीक है, बोला हरे कृष्ण कृष्ण Thank you.
Thank you.